हेलो फ्रेंड्स, मॉम एंड किड्स इंडिया में आपका स्वागत है। गर्भावस्था का दूसरा महीना, योग निद्रा, बेबी से संवाद और प्रभु से प्रार्थना। सबसे पहले हम जानेंगे आपको अपने बेबी से कैसे संवाद करना है। इस महीने में आपका शिशु सुनने लगेगा और आप जो भी बातें उससे करेगी वो उसको बड़े आराम से सुनेगा। इसीलिए आपको बड़ी संभल के, अदब से और सावधानी से बात करना है। आप सिर्फ शिशु से बात करते वक्त उस तक आवाज पहुंचती है, ऐसे नहीं। आप जिस किसी के साथ भी बात करेगी, जिस टोन में, जिस लय में बात करेगी, वो बात का असर आपके शिशु पे होगा। इसीलिए अपने आचार विचार में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। इसी संवाद पे शायद आपके शिशु का पूरा भविष्य निर्भर होता है। तो चलिए जानते हैं इस महीने में आपको अपने शिशु के साथ क्या क्या बात करनी है। हे मेरे शिशु, अब आप 2 महीने के हो गए हो। आपके शरीर के अंग बनने लगे हैं, खास करके आपके कान बनने लगे हैं। अभी आप मुझे अब बहुत अच्छे से सुन पाओगे। मैं जो भी आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी वो आपको आराम से और ध्यान से सुनना है। अभी आप तकरीबन एक बेर के साइज के हो गए हो और इसके साथ ही आपका विकास काफी तेजी से हो जाएगा। हे मेरे सुसंस्कारी तेज दिमाग वाले शिशु, पिछले जन्म में जो भी आपकी यादें हैं वो आपको भुला देना है। पिछले जन्म के जो भी सुखद अनुभव है उसको आपको आनंद से याद करना है, मगर जो भी दुखद अनुभव है उसे वहीं पे छोड़ देना है। इस जन्म में आप एक अच्छे सुसंस्कारी मनुष्य बनोगे। मैं और पापा आपका बहुत ख्याल रखेंगे। हम सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके विकास के लिए अच्छा आहार ले रही हूँ, प्राणायाम योगा कर रही हूँ ताकि आप नैसर्गिक तरीके से जन्म ले पाए। हे मेरे शिशु, आप बहुत बुद्धिमान, तेज, परोपकारी, शूर और सुसंस्कारी हो। मैं आप पे अच्छे संस्कार करूंगी। जब आप जन्म लोगे उसके बाद हम बहुत खेलेंगे। मैं आपको अपनी गोदी में खिलाऊंगे। अभी आपको अपना पूरा वक्त गर्भ में ही निकालना है। बहुत खुश रहिए, बहुत खिलखिलाते रहिए ताकि आपका विकास अच्छा हो। अगले महीने आप 3 महीने के हो जाओगे, यानी आप काफी बड़े हो जाओगे। हे मेरे शिशु, आप सुखी और आनंदी रहो। इस तरह से आप अपने शिशु के साथ संवाद कर सकते। उसके साथ ही आप प्रभु से प्रार्थना करिए। प्रभु से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मातृत्व है ये आपको प्रभु ने ही दिया है। इस प्रभु से आप रोज प्रार्थना करिए। हे मेरे प्रभु, मेरे पहले महीने की गर्भावस्था आपके आशीर्वाद से बहुत सुख कर गई है। मेरा शिशु काफी हेल्दी है। मेरे सोनोग्राफी में मैंने उसकी धड़कन देखी और ये आपकी ही दुआ है कि आपकी दुआ से ही मैं अपने शिशु की धड़कन देख पाई हूँ। जिस तरह से आपने मेरे पहला महीना जाने में मदद की है, उसी तरह मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। गर्भावस्था का दूसरा महीना भी मेरा बिना तकलीफ के गुजरे। ये महीना मुझे आनंद, उत्साह, प्रेरणा और शक्ति दे। हे मेरे प्रभु, आपने मुझे स्त्रीत्व दिया है, आपने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया है। आपने दिए हुए सौभाग्य का मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे इस धरती पर एक स्त्री के रूप में आपने भेजा और इस गर्भावस्था के साथ आपने मेरी जीवन का उद्धार किया है। हे प्रभु, मेरा शिशु 2 महीने का है, उसका शरीर बन रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उसके शरीर के सारे अंग बहुत अच्छी से डेवलप हो। हे प्रभु, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पे आपकी आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे ताकि मैं अपने शिशु पे अच्छे संस्कार कर पाऊँ। फिर से एक बार आपका धन्यवाद। ये प्रार्थना आपको रोज सुननी है। गर्भावस्था के दूसरे महीने में ये प्रार्थना आप रोज सुनने की कोशिश करें। अभी जानेंगे योग निद्रा। योग निद्रा वैसे तो एक्सरसाइज के बात करते हैं,
पर सोते टाइम भी ये योग निद्रा आपको करनी चाहिए। सोते समय आपके शिशु का आप चित्रण अपने मन में करिए। 2 महीने का नटखट शिशु आपका बड़ा हो रहा है, उसके शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, वो मेरी बात ही सुन रहा है। जन्म के बाद वो मेरे बाजू में सोया है, मुझे माँ माँ करके बुला रहा है। वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांत है। वो रात को पूरी नींद लेता है। मेरा छोटा सा 2 महीने का शिशु जो कि मेरे गर्भ में है, वो बहुत ही चंचल, बहुत ही नटखट और बहुत ही बुद्धिमान है। उसमें सारे संस्कार मैंने दिए हुए हैं। भगवान के आशीर्वाद से वो मुझे मिला है। डिलीवरी तक उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो रही है। हर महीने में उसका विकास काफ़ी तेज हो रहा है। गर्भावस्था के 2 महीने में मेरे शिशु तक ऑक्सीजन और ब्लड काफ़ी प्रचुर मात्रा में पहुंच रहे हैं, और जो भी एक्सरसाइज प्राणायाम में कर रही हूँ उसका फायदा मेरे शिशु तक पहुंच रहा है, और इसके ही परिणाम स्वरूप मेरा शिशु सुसंस्कारी, शूरवीर, स्वस्थ और एक अच्छा नागरिक बनके इस दुनिया में आएगा। एक संस्कारी, सर्वगुण संपन्न, परोपकारी, शूरवीर और तेज दिमाग वाले, तीक्ष्ण बुद्धि वाले शिशु को जन्म दे रही हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हो गया गर्भावस्था का 2 महीना, योग निद्रा, बेबी से संवाद और प्रभु से प्रार्थना। ये सब चीजें होने के बाद आप एक मृदु आरामदायक संगीत सुन के सो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।